नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने इमरान खान और मोदी पर कई अहम बातें की है। इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले रेहम खान को सुन लेते हैं। मजे की बात यह है कि नवाज को मोदी का यार कहा जाता था, लेकिन यारी तो निभाई है लाडले वजीर आजम इमरान खान ने। नवाज के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता था कि बहुत मोहब्बत करते हैं मोदी के साथ, लेकिन मिस्ड कॉलों पे मिस्ड कॉलें तो वजीर आजम इमरान खान दे रहे हैं। नवाज शरीफ पे ये इल्जाम लगाया जाता था कि जनाब ये तो कारोबारी मफादात हैं इनके इंडिया में, लेकिन ट्रेड ट्रांजिट राहदारियां तो अब खुल रहे हैं। अच्छा चलिए, नवाज शरीफ तो बड़े प्रो इंडिया थे, लेकिन मोदी जी की कैंपेन तो आप करते हैं, तो राहदारी भी आप खोलें। देखिए, पिछले दिनों ही पाकिस्तान की टेलीविजन डिबेट में एक पाकिस्तानी ने पूरी मदरसा जमात को आईना दिखाया था। उसका कहना था कि अफगानिस्तान के पठानों से लेकर पश्तून तक हर कोई इंडिया की दोस्ती चाहता है। उसे एक भी अफगानी ऐसा नहीं मिला जिसे पाकिस्तान से कोई हमदर्दी रही हो। पूरा अफगानिस्तान उनकी गिनती जाहिल लोगों में करता है, मगर बेशरम पैदाइश है यह 1947 में पैदा हुए अल्पबत के वे छिचोरे हैं जो जिम्बाब्वे जैसे गरीब देशों से भी भीख मांग कर ले आते हैं। ऐसे में इन्हें इसमें शर्म की कोई खास वजह नजर नहीं आई है। बात पिछवाड़े से होती हुई जालीदार टोपी को इंशाल्लाह कहकर भाग गई। आज अगर इमरान खान की सरकार में सलाहकारों की दोहरी नागरिकता और अकूत संपत्ति पर हड़कंप मचा हुआ है तो इसमें भी पाकिस्तान कोई खास वजह नहीं मानता है। कोरोना वायरस की वजह से 2 करोड़ टोपीबाज बेरोजगार हो गए। उनके टाइम पास हेतु कोई मुद्दा तो जरूर चाहिए। उधर भारत पीओके की तरफ से जबकि अफगानिस्तान वजीरिस्तान बॉर्डर पर बलूचिस्तान की आजादी के लिए कमर कसे हैं, ऐसे में मुल्लाओं की दौड़ संसद तक चलना स्वाभाविक है। पाकिस्तानी सीनेटर सिराजुल हक ने वही दोहराया है जैसा कि हम भी आमतौर पर दोहराते रहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने वजीर खजाना से कहा कि बैतुल माल में कुछ है। उसने कहा कि खजाना बड़ा है। उनने कहा तकसीम करो, यतीमों की कफालत करो। फिर कहा कि अब उन्होंने कहा बहुत कुछ है। उन्होंने कहा दवाओं की कफालत करो। फिर पूछा, उन्होंने कहा कि बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि मिल्लत में जितने भी कर्जदार है उन सब के कर्जे अदा करो। फिर पूछा कि अब भी कुछ है। उन्होंने कहा अब भी खजाने में सब कुछ मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस कौम में जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं जो बालिग हो गए हैं और वो शादी के इस्तेताद माली लिहाज से नहीं रखते, उनके लिए इंतजाम करो। फिर पूछा अब, उन्होंने कहा कि अब भी बहुत कुछ है। फिर कहा कि बॉर्डर पर जो लोग लड़ते हैं दुश्मन के मुकाबले में, जो लोग शहीद हो गए हैं उनके खानदानों के लिए इंतजाम करो। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बजट में ये जो हमारे 70,000 लोग शहीद हो गए हैं उनके खानदानों की कफालत के लिए क्या किया गया है? इसमें कबाइली इलाकों के लिए कुछ नहीं है, इसमें पाकिस्तान के पासमानदा इलाकों के लिए कुछ नहीं है, इसमें इस्तेहसाल से इस मुल्क को साफ और शफाफ बनाने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, अंगूर की बेल पर खजूर लगती तो इमरान खान कभी भी जैतून उगाने का ढिंडोरा नहीं पीटता, पर उन्होंने ढिंडोरे के साथ बीन भी बजाई है। 20 सलाहकारों और प्रधानमंत्री के विशेष सहायकों के पास जहां दोहरी राष्ट्रीयता है, वहीं उनकी संपत्ति 150 अरब रुपए से भी ज्यादा है। यानी जनता तैमंद के पैबंद लगाए घूम रही है और इमरान लोडे के अधीनस्थ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अब सिराजुल हक जिस इमदाद की बात कर रहे हैं वे उन्हें मिलती तो इन अधीनस्थ का पेट कैसे भरता। इसलिए मुल्ला की दौड़ संसद से आगे नहीं हो सकती है। बेहतर होगा कि इस संसद में भी पिछवाड़ा उठाओ गिराओ का आंदोलन शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुल्क नीति और नियत से चलता है। जिन्ना ने ऐसा कोई तीर नहीं मारा था जो यहां ढंग के रहनुमा पैदा होते। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।